नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, जैसे जैसे यूएस साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए अब चाइना प्लान कर रहा है कि वो ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिससे वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को चाइना की हाई स्पीड रेलवेज, जिन्हें बुलेट ट्रेन्स भी कहते हैं, उनसे लॉन्च कर सके। और देखिये, इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने बाकायदा अपने यहाँ पर एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बनाई थी जो इस बात पर रिसर्च करें कि चाइना की जो बुलेट ट्रेन्स हैं, यानी हाई स्पीड रेलवेज, वो चाइनीज न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी आईसीबीएम को लॉन्च करने के लिए सही ऑप्शन है। और इन चाइनीज रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो बुलेट ट्रेन वाला ऑप्शन है, ये ज्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू अदर रेलवे। चाइना की इस रिसर्च टीम की जो फाइंडिंग्स हैं, वो लास्ट वीक ही पब्लिश की गई हैं। और इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है कि चाइना की जो हाई स्पीड रेलवे है, ये चाइना की हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रेलवे, यानी जिस रेलवे को सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है, उसके कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन है टू लॉन्च आईसीबीएम मिसाइल्स। तो देखिए, चाइनीज एक्सपर्ट की जो टीम थी, इन्होंने चाइनीज रेलवे के दो ऑप्शन को कंसीडर किया था। एक तो है हैवी हॉल रेलवेज और दूसरा हाई स्पीड रेलवे। पहले आपको थोड़ा हैवी हॉल रेलवेज के बारे में बता देता हूँ, ये एक्चुअली होती क्या है और क्या इनके स्पेसिफिकेशन है, फिर बात करेंगे हाई स्पीड रेलवे की, जिन्हें चाइना ने चुना है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। और चाइना ने इन हाई स्पीड रेलवेज को क्यों चुना है, क्या इनका एडवांटेज होगा। देखिए, हैवी हॉल ट्रेन जो होती हैं, वो जनरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती हैं, और वो भी हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनकी कैपेसिटी जो है वो कम से कम 5000 मेट्रिक टन होनी चाहिए, और इनका जो एक्सल लोड है वो होना चाहिए 25 मेट्रिक टन या उससे ज्यादा। और ये जो हैवी हॉल ट्रेन होती हैं, इनके जो वैगन्स होते हैं, यानी माल ढोने वाले कंपार्टमेंट, वो सब एक ही जैसे होते हैं, और जनरली इनमें एक ही टाइप की कमोडिटी ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। और इन ट्रेन्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है माइनिंग एरिया में, आयरन ओर वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और दुनिया की सबसे हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है शीशन सल्दाना आयरन ओर एक्सपोर्ट लाइन, जो है साउथ अफ्रीका में। इस ट्रेन की लंबाई है 4 किलोमीटर, और इसमें 342 वैगन्स हैं, जो एक बार में 37,000 टन मास को कैरी कर सकते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स लगे हैं, और ये 861 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक बार में। तो देखिए, चाइनीज एक्सपर्ट के सामने ये हैवी हॉल ट्रेन वाला ऑप्शन भी था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने चुना है चाइना की हाई स्पीड रेलवेज को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लॉन्च करने के लिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो हाई स्पीड रेलवे है, वो ज्यादा फास्ट और स्मूथली ऑपरेट कर सकती है एज कम्पेयर टू हैवी हॉल रेलवेज। और इसीलिए इन चाइनीज हाई स्पीड ट्रेन में मिलिट्री व्हीकल्स की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा फास्ट होगी, उनकी सेफ्टी ज्यादा होगी, और उन्हें इजीली दुश्मन की नजरों से छुपाया जा सकेगा। अब देखिए, चाइनीज एक्सपर्ट ने क्यों चुना है इन बुलेट ट्रेन्स को, यानी हाई स्पीड रेलवे को, चाइना की अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि आपने काफी नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स देखी होंगी, और उन रेलवे ट्रैक्स को बिछाने से पहले उनके नीचे पत्थरों की एक लेयर बिछाई जाती है, जिसे कहते हैं ब्लास्ट। और ये जो ब्लास्ट की लेयर होती है, ये जो ट्रेन का शॉक पड़ता है रेलवे ट्रैक पर, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और देखिए, जब हैवी हॉल लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, जिसके थ्रू आयरन ओर या कोल ट्रांसपोर्ट होता है, तब ये जो बलास्ट की लेयर होती है, ये ज्यादा मोटी होती है, ताकि ये ज्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। अब चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब रेलवे से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाएगी, तो वो एक पावरफुल शॉक वेव पैदा करेगी, जो लगभग 8 मीटर जमीन के नीचे तक जा सकती है, 8 मीटर यानी 26 फीट के आसपास। और ये जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक होती है, इनमें किसी में भी 26 फीट तक बैलास्ट की लेयर नहीं बिछाई जाती। इवन जो हैवी ड्यूटी रेल्स होती हैं, उनमें भी जो बैलास्ट की लेयर होती है वो 8 मीटर तक नहीं होती। और अगर हैवी ड्यूटी रेल से भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करनी है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रैक बिछाना पड़ेगा। अब देखिए, चाइना की जो हाई स्पीड ट्रेन है, उनकी स्पीड होती है अराउंड 350 किलोमीटर पर आवर। ये काफी स्लिम होती है, इनमें 16 कैरिज होते हैं, और एक कैरिज का वजन होता है अराउंड 60 टन। और देखिए, चाइनीज मिलिट्री ने कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू वहाँ की हाई स्पीड रेल से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुछ टेस्ट किए थे, और इन एक्सपर्ट ने उन टेस्ट को स्टडी किया। और उस स्टडी के बाद इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की जो हाई स्पीड रेलवे है, अगर उससे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाएंगी, तो उसकी जो ट्रैक है, उस पे कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रैक जो है वो बिछी है कंक्रीट के एक बहुत मोटे बेस के ऊपर, और उस पर अलग से ब्लास्ट की लेयर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसको बिछाने के लिए जो फाउंडेशन होता है वो ऑलरेडी काफी मजबूत बनाना पड़ता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी रेलवे लाइन। जितनी भी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग चाइना की जो हाई स्पीड रेलवे है, कहीं कहीं पर उसकी जो फाउंडेशन है वो 60 मीटर तक डीप है,
लेकिन देखिए जब किसी भी रेलवे से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है तो रेल को और रेलवे लाइन को बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। और ये जो चाइना की हाई स्पीड रेलवे है इसका जो ट्रैक बिछाया गया है और उसके नीचे जो फाउंडेशन है वो हर जगह 60 मीटर डीप नहीं है, इसीलिए हो सकता है जब ICBM मिसाइल लॉन्च की जाए इन हाई स्पीड रेलवे से तब ये कहीं कहीं पर इस ट्रेन को या उसके ट्रैक को नुकसान पहुंचा दें। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा कहीं भी होता है तो उसे डिटेक्ट करना और रिपेयर करना आसान होगा। अब देखिए हालांकि चाइनीज एक्सपर्ट ने काफी स्टडी की है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खतरे हैं हाई स्पीड रेलवे से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लॉन्च करने में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तो उसके लॉन्चर से लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन निकलती है जो रेलवे के सरफेस कंपोनेंट्स लाइक रेल और कंक्रीट स्लैब इनको नुकसान पहुंचा सकता है। और देखिए जैसे ही किसी भी ट्रेन के कैरेज से ICBM ब्लास्ट ऑफ होगी तो ये किसी भी ट्रेन की नॉर्मल कैपेसिटी से कम 4 गुना ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगी और इससे भी रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि रेल बोर्न ICBM लॉन्च सिस्टम जो है वो किसी भी फर्स्ट वेव ऑफ न्यूक्लियर अटैक को ज्यादा आसानी से सह सकता है एज कम्पेयर टू लैंड बेस्ड सिस्टम्स जैसे कि साइलोज या ट्रक्स। साथ ही किसी भी साइलो या ट्रक के कंपैरिजन में आप ट्रेन्स के थ्रू ज्यादा मिसाइलें ले जा सकते हैं। हालांकि अभी ये बात क्लियर नहीं है कि चाइना कब अपना न्यूक्लियर लॉन्च प्लेटफॉर्म अपनी हाई स्पीड रेल पर डिप्लॉय करेगा। हालांकि देखिए रेलवे से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर कैपेबल हो उन्हें लॉन्च करने का जो सिस्टम है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये दशकों पुराना है। 1980s में सोवियत यूनियन ने सबसे पहली बार ऐसा सिस्टम लॉन्च किया था और इसके लिए सोवियत यूनियन ने RT-23 मोलोडेट्स नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की थी जिसे इजीली किसी भी स्टैंडर्ड ट्रेन वैगन में फिट किया जा सकता था। इस मिसाइल का डायमीटर था 2.4 मीटर जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता था ताकि इससे स्पीडली लॉन्च किया जा सके और ये 6,800 माइल्स दूरी तक मार कर सकती थी। इसमें 550 किलोटन के 10 न्यूक्लियर वॉरहेड लगे थे जो अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते थे। आप लोगों को याद होगा कि जनवरी में नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसा ही एक टेस्ट किया था जब उसने अपनी KN-23 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को एक रेल कार से लॉन्च किया था और ये उसका इस तरह का सेकेंड टेस्ट था। तो देखिए अब चाइना भी ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाला है जिससे वो अपनी हाई स्पीड ट्रेन से अपनी न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।